हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज है रेसिपी स्नैक लवर्स के लिए एक ज़बरदस्त बेहतरीन स्नैक मींस पकोड़ा। पकोड़ा हम सबको पसंद होते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि स्पेशली आज जो पकोड़े हैं वो बेसन में नहीं बनेंगे, कुछ अलग डिफरेंट है। और जो रहेंगे घंटों बाद क्रिस्पी, सुपर क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी आज हम बताएँगे बिना बेसन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से ये रेसिपी। फ्रेंड्स, रेसिपी के लिए हम लेंगे दो दाल, ये है मूंग की दाल धुली हुई और ये है मसूर की दाल। इन दोनों दालों को दो दो घंटों के लिए हमने भिगो दिया है और दो घंटे बाद इन्हें हम अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए। ज़्यादा पतला पेस्ट हमें नहीं बनाना है, थोड़ा हमें पेस्ट थिक रखना है। और अच्छे से हम मिक्सी में इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर ग्राइंड कर लिया, ये है मसूर की दाल ग्राइंड की हुई। ये देखिए, ऐसा थिक पेस्ट हमें रखना है। ये है मूंग की दाल ग्राइंड की हुई। इन दोनों दालों को हमने ग्राइंड कर लिया है और अब हमने इन दोनों दालों को मिला दिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम लेंगे यहाँ पर दो हमने आलू लिए हैं, उन्हें ग्रेट कर लिया है और ग्रेट करके हमने उन आलुओं को इसमें यहाँ पर मिलाना है। दो मीडियम साइज़ के आलू लेके हमने ग्रेट कर लिया है और हम इसमें मिलाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने इसमें दो कप अच्छे से हमने यहाँ पर ऐड करना है पालक। रफली आप चॉप कर लें, आप रफली चॉप करके पालक को डाल दें। और उसके बाद फ्रेंड्स, एक मीडियम साइज़ की प्याज भी ली है हमने, उसे भी हमने पतला पतला स्लाइस करके डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे गार्लिक चटनी, लहसुन की चटनी, दो चम्मच लहसुन की चटनी हम डालेंगे इसमें। और इसके बाद फ्रेंड्स, हम डालेंगे इसमें नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे अच्छे से। और इसके बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गए हैं, हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हमें तेल गरम करना है और बस छोटे छोटे पैच लेके और हमें इस तरीके से डीप फ्राई करना है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तब तक हमें इन्हें डीप फ्राई करना है। फ्रेंड्स, बहुत क्रिस्पी ये पकौड़े बनते हैं। ये दाल का इसमें यूज़ किया है ये पकौड़े स्पेशली। फ्रेंड्स, अगर आप दो घंटे बाद भी खाएंगे तो भी आपको क्रिस्पी लगेंगे। बेसन के पकौड़े हम बनाते हैं स्पेशली तो वो थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाते हैं, लेकिन ये आपको क्रिस्पी ही लगेंगे। ये देखिए, यहाँ पर कितना अच्छा कलर आ गया है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ पास से, बहुत ही क्रिस्पी ये पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इतना कलर हमें रखना है। ये देखिए, और यहाँ पर सारे पकौड़े हमने बैच बाय बैच तल लिए हैं अच्छे से क्रिस्पी होने तक। ये देखिए, यहाँ पर मैंने सर्व कर लिया है और आप इसे सर्व करें हरे धनिए की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, जो बहुत ही टेस्टी लगेंगे। स्नैक टाइम के लिए तो बेस्ट रेसिपी है, इवन गेस्ट के आने के टाइम पर भी ये बहुत बेस्ट रेसिपी है। और इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि ये आपको रेसिपी, पकौड़ा रेसिपी कैसी लगी, सुपर क्रिस्पी पकौड़ा रेसिपी बिना बेसन के। तो चलिए, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।